अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो गई है। साल 2024 के जनवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोजन में शामिल होंगे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले काशी में देश भर के संत राम मंदिर आंदोलन के कार सेवकों के आत्मा के शांति के लिए बड़ा अनुष्ठान करेंगे। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इसका ऐलान किया है। बाकायदा इसको लेकर संतों ने वाराणसी में बैठक भी की है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि 2 नवंबर 2023 को काशी विश्वनाथ मंदिर में कार सेवकों की आत्मा की शांति के लिए महारुद्राभिषेक करेंगे। इस आयोजन में देश भर से अलग अलग जगहों से 400 से अधिक संत इस आयोजन में शामिल होंगे। इसके अलावा 101 ब्राह्मण इस आयोजन के साक्षी बनेंगे और इस अनुष्ठान को पूरा कराएंगे। इस आयोजन में अखिल भारतीय संत समिति और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के संयुक्त संयोजन में होगा। बताते चले कि 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी। उस समय इस घटना में सरकारी आंकड़े के मुताबिक करीब 1.5 दर्जन लोग मारे गए थे, जिसमें कोठारी बंधु भी शामिल थे। इस घटना के बाद 4 नवंबर 1990 को सभी शहीद कार सेवकों का अंतिम संस्कार हुआ। इसके बाद उनके अस्थियों को देश के अलग अलग जगहों पर ले जाया गया। इन्हीं कार सेवकों की आत्मा की शांति के लिए 2 नवंबर 2023 को काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में बड़ा आयोजन होने जा रहा है। रुद्राभिषेक होने जा रहा है, उस रुद्राभिषेक का क्या उद्देश्य है और कहां होगा, कितने संत इसमें शामिल होंगे? अगर युवा पीढ़ी यह भूल गई हो कि आज श्री राम जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा, उस मंदिर की ईंटों में कार सेवकों के रक्त भी लगे हैं, और 1990 के 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को अयोध्या की गलियों में राम भक्तों की लाशें बिछा दी गई थी। पिछले 495 वर्षों में 77 युद्ध हिंदू समाज ने लड़े। राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मोक्ष की नगरी काशी और मोक्ष के देवता बाबा भोलेनाथ के दरबार में देश भर के शीर्ष संत एक साथ रुद्राभिषेक करेंगे और उन कार सेवकों के मोक्ष के लिए, सनातन सापेक्ष सत्ता की पुनर्वापसी के लिए और राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए शंकराचार्य से लेकर के महामंडलेश्वर तक सभी प्रकार के संत बाबा के आंगन पर जमीन पर बैठ करके एक साथ मंत्र बोलते हुए दिखेंगे। ये दुनिया में सनातन हिंदू धर्म के इतिहास में और काशी के इतिहास में भी अद्भुत नज़ारा होगा। हमें इसे ज़रूर देखना चाहिए।